बहुजन समाज पार्टी के भिवंडी शहर अध्यक्ष याकूब अंसारी ने लगाया यूपी सरकार पर भेदभाव का आरोप। आपको बता दें कि भिवंडी शहर में समस्याओं का अंबार लगा हुआ है, जहां पर सभी पार्टी दल के लोग अपनी अपनी ताकत तो लगा रहे हैं लेकिन शहर का विकास नहीं कर पा रहे। आखिरकार क्या कारण है? भिवंडी शहर एक संवेदनशील एरिया माना जाता है, जहाँ पर सभी जाति धर्म के लोग रहते हैं। इस क्षेत्र में सभी अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए आते हैं, लेकिन आज शहर की सड़कें रो रो के गवाह कर रही है कि उन्हें भी कोई देखे। शहर पर चलने वालों की हाथ पैर में दर्द तो ऐसे लग रहे हैं जैसे कि रोड पे नहीं किसी पहाड़ पे चल रहे हैं। भिवंडी शहर में आज गंदगी की बात की जाए तो गंदगी भी बहुत ज़्यादा है, जहाँ पर इन सारी बातों को मद्देनज़र रखते हुए हमारे चैनल के माध्यम से बहुजन समाज पार्टी के भिवंडी शहर अध्यक्ष याकूब अंसारी से खास मुलाकात की, जहाँ उन्होंने एक अपने वक्तव्य में एक बात कही कि भिवंडी शहर के विकास के लिए सभी पार्टी दल को एकजुट होकर भिवंडी शहर के लिए आना चाहिए, ना कि एक दूसरे पर टिप्पणी करना चाहिए। भिवंडी शहर का विकास तभी होगा जब सभी पार्टी एकजुट होकर भिवंडी शहर के विकास के लिए लड़ेंगे। उन्होंने अपने वक्तव्य में क्या कहा, आइए सुनते हैं हमारे चैनल के माध्यम से। आज भिवंडी शहर में जो है हम देखेंगे तो खासदार जो है भिवंडी में बीजेपी का, भारतीय जनता पार्टी का, और एक आमदार भी है महेश चौगले, बीजेपी के आमदार है और बीजेपी की जो है केंद्र और राज्य में भी सरकार है। उसके बाद हम देखेंगे शिवसेना का जो है हमारा भिवंडी शहर में डिप्टी मेयर है और एक आमदार भी है शिवसेना का भिवंडी शहर में। उसके बाद जो है कांग्रेस पार्टी के जो है मेयर है जावेद अली साहब और 47 नगर सेवक भी है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर ये लोग मिलजुल कर अगर काम करें, राजनीति को साइड में रख के अगर ये लोग विकास के लिए अपना मन बना के काम करें तो हमारे शहर में जो है काफ़ी विकास होगा। और बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन रहने के बाद भी ये लोग की केंद्र में राज्य में सरकार है, मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग चाह कर भी भिवंडी का विकास नहीं करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि शायद क्योंकि यहाँ पे मुस्लिम आबादी ज़्यादा है तो शायद ये लोग भेदभाव भी कर रहे हैं काम करने में। और अगर ये लोग मिलके करें तो काफ़ी अच्छा काम हो। और उसके बाद हमारे जो कांग्रेस पार्टी के भिवंडी शहर जिला अध्यक्ष है शोएब गुड्डू साहब, उन्होंने बीच में मोर्चा निकाला था कांग्रेस पार्टी को लेके, उन्होंने मोर्चा निकाला था। उसमें मैंने जे न्यूज़ टीवी के माध्यम से मैंने देखा था और भी न्यूज़ रिपोर्टर के न्यूज़ में देखा था मैंने। उन्होंने कहा था कि हम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मोर्चा निकाले हैं, ये शोएब गुड्डू साहब का बयान था। और वो हाथ में जो है चॉकलेट लेके बांट रहे थे, तो उनसे जब पूछा गया पत्रकारों द्वारा तो उन्होंने उसका जवाब दिया कि मोदी जी जो है हिंदुस्तान की जनता को जो है चॉकलेट बांट रहे हैं, बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो ठीक है, हम भी उनके खिलाफ है, वो पेट्रोल का दाम इतना ज़्यादा बढ़ा दिए, हम भी उसके खिलाफ है, हम भी उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे बहुजन समाज पार्टी की तरफ से। लेकिन मैं सवाल पूछना चाहता हूँ कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष से कि अगर मोदी जी हिंदुस्तान की जनता को टॉफी बांट रहे हैं तो क्या मैं ये समझूं कि कांग्रेस पार्टी भिवंडी शहर की जनता को लॉलीपॉप दे रही है? क्योंकि आप लोगों ने भी जो है आप महानगर पालिका पे कब्जा करने से पहले आप लोगों ने भी कहा था जनता को कि हम ये करेंगे वो करेंगे, ये काम करेंगे वो काम करेंगे, लेकिन आप लोग भी तो लॉलीपॉप दे रहे हो भिवंडी की जनता को। रोड जो है टूटा फूटा है, रोड नहीं बन रहा है, हॉस्पिटल में जो है गंदगी है, हॉस्पिटल में फैसिलिटी नहीं दे रहे हो और दवा रहने के बाद भी बाहर की दवा लिखते हैं। स्कूल के बच्चों को जो है फैसिलिटी नहीं है, स्कूल की कई इमारतें जो है गिरने जैसी हो गई है फिर भी उसमें पढ़ाया जा रहा है और स्कूल को बनाया नहीं जा रहा है, और जगह रहने के बावजूद भी जो है बच्चों को एडमिशन नहीं दिया जा रहा है। गरीब बच्चे जो है बेचारे कम पैसे की वजह से जो है म्यूनसिपल्टी स्कूल में आते हैं महानगर पालिका के, उसमें भी आप लोग जो है फैसिलिटी नहीं देते हैं तो उनका फ्यूचर ख़राब हो जाता है, वो आगे पढ़ाई लिखाई से दूर हो जाते। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर पार्टी
पार्टी को बीजेपी शिवसेना कांग्रेस आप लोगों को मैं कहना चाहता हूँ मिलजुल कर जो है काम करें भिवंडी के विकास के लिए। और अगर भिवंडी के विकास के काम में हमारी बहुजन समाज पार्टी का अगर आपको मदद चाहिए तो हम भी भिवंडी के विकास के लिए आपके साथ है। और साथ ही साथ मैं कहना चाहता हूँ हमारे जो मेयर है जावेद दलवी साहब, बीच में जे एन यू के माध्यम से मैंने इंटरव्यू उनका सुना, उन्होंने उसमें कहा था कि हाथी चले बाजार और कुत्ते भोंके हजार। इस पे मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि हाथी का मुहावरा आप मत दीजिए, क्योंकि हाथी के झंडे के नीचे यूपी में हमारी बहन कुमारी मायावती जी ने मुख्यमंत्री रहकर हाथी के झंडे के नीचे काफ़ी विकास का काम किया था जो आप लोग नहीं कर रहे हो। तो मैं ये कहना चाहता हूँ आपके ऊपर मुहावरा जो है गेंडे का मुहावरा आपके ऊपर सूट करेगा, तो आप हाथी की बजाय गेंडे का मुहावरा दे, मैं इतना कहना चाहता हूँ। और भिवंडी की जनता का विकास करे और हम भी उसमें सहयोग करेंगे। जय भीम, जय भारत, जय महाराष्ट्र। दर्शकों आज के लिए फिलहाल इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद।